पास आपदा प्रबंधन केंद्र का निर्माण काम शुरू। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ते उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की पूजा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू हवाई अड्डे पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के प्रसाद से यादगारी स्मारक लिए काउंटर का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होरें सुरीनाम के सारे शा उच्चे नागरिक सम्मान करने कीता गया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने इस पुरस्कार लिए राष्ट्रपति मुर्मू की दी मुबारकबाद। बाई त्रेई च नवी उद्योगिक नीति तहत जम्मू कश्मीर अजे तक दस सबने क्षमता 2200 करोड़ रुपए का और निवेश करने गए 5500 करोड़ रुपए के और काम भी होए शुरू आख्या मुख्य सचिव होरें। नमस्कार, डीडी काशी थमां प्रसारित होने आए डोगरी खबरें इस बुलेटिन च तुंदा सबने दा स्वागत है। हुण पेश खबरां तफसील कन्नै। पेट्रोलियम ते कुदरती गैस करें कोठें ते शहरी मामले बारे महकमे ते केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ते उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें यात्री निवास ते आपदा प्रबंधन केंद्र के निर्माण लई अज पूजा कीती। यह सुविधा तेल ते कुदरती गैस निगम लिमिटेड की सीएसआर पहल तहत 51 करोड़ रुपए की लागत कन्नै जम्मू के मजीन थार विकसित की जा रही है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री होरें आखिया इस यात्री निवास कन्नै हर बरे 3000 श्री अमरनाथ जी के श्रद्धालुओं की ठहरने की सहूलत हासिल होई जाग ते इह चेचे तौर पर गरीब तबके के श्रद्धालुओं लई मती फायदे वाली साबित होग। जो आपका जो ये प्रोजेक्ट है, जो आप यहाँ पे 400 हमारे जो पिलग्रिम्स आते हैं हर वर्ष, मुझे कहा गया कि 4 से 6 लाख आते हैं, उनके लिए जो आप रहने की व्यवस्था बना रहे हैं उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर भी होगा, 54 कमरे होंगे, 18 डॉर्मेटरीज होंगी। अगर जब ऐसा प्रपोजल आता है तो मैं समझता हूं उसमें इनबिल्ट मोमेंटम होता है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और श्री अमरनाथ जी के श्रद्धालुएं श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अधिकारियों से अमरनाथ यात्रा कन्ने जुड़े देर ने सबने संगठने ते लोकें की यात्री निवास का निर्माण काम शुरू होने के मौके पर मुबारकबाद दी है। उपराज्यपालों ने सीएसआर पहल कदमी तहत श्री अमरनाथ जी के श्रद्धालुओं 4-5 और यात्री निवास मंजूर करने तई केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री का आभार जताया। अवसर मिलेगा लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो देश भर में परिवर्तन हो रहा उस परिवर्तन को आप जम्मू कश्मीर में भी महसूस कर सकते हैं। अब चाहे वो अस्पताल बनाना हो, यातायात की सुविधा हो, चंद्रकोट में पिछली बार जो यात्री निवास बना, बेस कैंप में रहने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधाएं दी गई, देश विदेश से आने वाले यात्रियों को भगवान भोलेनाथ का दर्शन ही न हो बल्कि एक सुखद अनुभव लेकर के जाए, आध्यात्मिक स्मृतियां जम्मू कश्मीर की लेकर के जाए, इसका प्रयत्न किया गया। मैं समझता हूं कि जो यात्रा हम देर से शुरू करते हैं वो यात्रा भी हम समय से शुरू कर पाएंगे और आवागमन की सुविधा इस तरह से होगी कि देश भर के श्रद्धालु निश्चित रूप से आकर के दर्शन कर पाएंगे। इस यात्री निवास का डिजाइन नवी दिल्ली के प्लानिंग ते आर्किटेक्चर स्कूल आसिया तैयार किया गया है ते इहदे 18 महीने च सबूरा होई जाने की उम्मीद है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें अज आख्या जो श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर आने वाले यात्रुएं की रिहायशी सहूलत 4 कोला 5 यात्री निवास निर्माणाधीन ते चंदनवाड़ी कोला बालटाल तोड़ी दी सड़कों का निर्माण भी किया जा करता है। श्री सिन्हा और जम्मू एयरपोर्ट के डिपार्चर एरिया श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के प्रसाद कम यादगारी यानी सोविनियर काउंटर का उद्घाटन करने मगरा पत्रकारों कन्ने गलबात करारदे हे। लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें दस्सिया जी यात्रा निवास बालटाल नुनन कैंप ते कश्मीर घाटी के प्रवेश स्थल पर अखरोटे की फैक्ट्री कोल बनाए जांगन। श्री सिन्हा होरें आख्या जे इहदे कन्ने यात्रुएं की यात्रा दौरान ठहरने रोने की खरी सहूलत हासिल होई सकोग। उन्हें भी आख्या जे चंदनवाड़ी कोला बालटाल तक सड़क निर्माण भी किया जाना है। दिनों में हम बनाने जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर सड़क के निर्माण के लिए पीआरबी एनएचआईडीसीएल बना रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत हो जाएगी। उस सड़क की स्वीकृति के बाद दोनों एक्सिस जुड़ जाएगी, माननीय पहलगांव से हम चलेंगे पंचतरण, ये चंदनबाड़ी पंचतरणी होते हुए संगम टाप होते हुए बालटाल आ सकते हैं, तो संगम टाप से बाबा केवल 2 किलोमीटर रह जाएंगे। मुझे लगता है कि संख्या भी बढ़ेगी और जो हमको बर्फ के कारण परेशानी होती है पहले हम यात्रा शुरू कर पाएंगे और देश भर के श्रद्धालु जिनकी श्रद्धा है बाबा अमरनाथ में वो आकर के दर्शन करेंगे। खरे कोठे ते शहरी विकास के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी होरें आखे जुंदा मंत्रालय यूटी प्रशासन आसिया सुझाए गए सबे यात्री निवासें की मंजूरी देग।
करें कोठे के शहरी मामले वाले महकमे के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी होरें अज आख्या जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे मार्गदर्शन च देश ने पिछले 9 बरे दौरान हर क्षेत्र च बड़ा मता विकास किया है। जम्मू च बीजेपी हैडक्वार्टर च पत्रकारें गी संबोधित करदे होए केंद्रीय मंत्री होरें आख्या जे कोविड महामारी के बड़े मते मुश्किल समय च भी साडी सरकार ने 80 करोड़ लोगों की सुक्का राशन उपलब्ध करवाया ते अजे भी उन्हें दया करती है। केंद्रीय मंत्री होरें आख्या जे पिछले 9 बरे दौरान भारत दुनिया की 5वीं सारे कोला वड्डी अर्थव्यवस्था बनी गया है। उन्हें विश्वास जताया जे भविष्य च भी तौले गए भारत दुनिया की और वड्डी अर्थव्यवस्था होग दिया जा रहा है। अभी तक यही कहता रहा हूं कि देखिए 2014 में हम ग्लोबली वी वर द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी। 9 साल में मोदी जी ने ये जो सरकार की योजनाएं थी प्रोग्रेस हुई है, आज हम 5वें स्थान पे है और ये 5वें स्थान पे भी हम वी आर पॉइज्ड एट 3.83 ट्रिलियन। हमारे आगे जो दो इकोनॉमीज हैं वो 4.1 ट्रिलियन और 4.3 ट्रिलियन पे है। अगर हमारी 7% रेट ऑफ ग्रोथ हुई तो आने वाले कुछ ही समय में वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जम्मू कश्मीर के विकास बारे डॉक्टर पुरी होरें आख्या जे इत्थे 3500 किलोमीटर लंबी सड़कें ते 100 पुलों का निर्माण किया गया। इसके अलावा सेहत क्षेत्र च सुधार होया ते जम्मू के विजयपुर च एम्स भी बनाया गया ते बख-बख जिले च 10 अस्पतालों का भी निर्माण किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होरें गी सुरीनाम की राजधानी पारामारीबो च सुरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार कन्ने सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान रिपब्लिक ऑफ सुरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संदोखी कोला प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति मुर्मू और पहलियां भारतीय जिन्हें यह सम्मान भेंट किया गया। सम्मान प्राप्त करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू होरें आखिर यह सम्मान छड़ा उन्दे लिए नहीं सगों 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों लिए अत महत्वपूर्ण है जिंदियां वह प्रतिनिधि। उन्हें इसके लिए सुरीनाम सरकार का दिल्ली तौर पर आभार प्रकट किया ते आख्या जे यह सम्मान दोनों मुल्कों विचकार सहयोग के पक्के रिश्ते की मिसाल है। राष्ट्रपति मुर्मू इस लिए सुरीनाम के 3 दिहाड़े के दौरे पर गए। कल राष्ट्रपति मुर्मू होरें सुरीनाम के राष्ट्रपति कन्ने प्रतिनिधिमंडल की स्तर की भी गलबात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होरें गी सुरीनाम दे सबने कोला उच्चे नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार कन्ने सम्मानित किए जाने पर मुबारकबाद दी है। अपने एक ट्वीट च श्री मोदी होरें आखिया सुरीनाम की सरकार ते जनता का यह विशेष आओ भाव दोनों मुल्कों विचकार पक्की मित्री का प्रतीक है। शहरी हवाबाजी मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया होरें किश हवाई रूटों पर आ चुके किराए च बड़े मते वाधे की हालिया रिपोर्टें पर अपनी चिंता जाहिर की है। नमी दिल्ली एयरलाइंस एडवाइजरी ग्रुप कन्ने घंटा भर चली दी बैठक च श्री सिंधिया होरें हवाई जहाजें दे किराए संबंधी मामलों पर चर्चा की। मंत्री होरें इस गल्लै पर जोर पाया जे एयरलाइंस गी किश तालमे हवाई रूटें पर बधे दे हवाई किराए की आपूं गै निगरानी करनी लोड़चदी है, खास करी उन्दे पर जिंदे पर पहले गो फर्स्ट एयरलाइन अपनी डोआरियां चलांदी ही। श्री सिंधिया होरें आखिया जे कुसै भी किस्म की क्रोपी च मानवीय स्थिति की ध्यान च रखते हुए हवाई टिकटें पर सख्त तक रखने ते टिकटें दीआं कीमतें च वाधे पर कंट्रोल करने की लोड़ है। भारत ते जर्मनी ने रक्षा सहयोग मजबूत करने की वचनबद्धता की फी पक्का किया है। यह फैसला अज नवी दिल्ली च भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ते जर्मनी रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस बिशकार दपक्खी वार्ता च लेता गया। बैठक च दोनों नेताएं क्षेत्रीय मुद्दे मामले ते सांझा प्राथमिकताएं बारे भी सोच विचार किया। एक ट्वीट च श्री सिंह होरें आखिया जर्मनी के रक्षा मंत्री हुंदे कन्ने बड़ी सार्थक वार्ता हुई है ते बोरिस पिस्टोरियस हुंदा योग लई लगाव बड़ा सराहनेयोग है। इस कोला पहले श्री पिस्टोरियस होरें नवी दिल्ली च राष्ट्रीय युद्ध स्मारक उपर पुष्पांजलि अर्पित की। जर्मन रक्षा मंत्री इसलिए 4 दिहाड़े की भारत यात्रा पर अपनी यात्रा दौरान नवी दिल्ली च रक्षा उत्कृष्टता नवाचार आसे आयोजित कार्यक्रम च किश स्टार्टअप्स कन्ने मलाटी की भी मेद है। भारतीय नौसेना ने स्वदेश गै निर्मित भारी वजन आले तारपीडो की बरतून राय पानी के अंदर गै निशाने पर मार करने का सफल परीक्षण किया है। नौसेना के प्रवक्ता ने दसा जे अपने गै देशा च विकसित भारी वजन आले तारपीडो कन्ने इस चाली का सफल परीक्षण नौसेना ते रक्षा अनुसंधान ते विकास संगठन वास्ते महत्व वाली उपलब्धि है। एक पंद्रवाड़े के अंदर यह दुआ सी लेवल टेस्ट है। पिछले महीने नौसेना ने INS मोरमुगाव विध्वंसक जहाज थमां उन्नत किस्म की मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सी स्किमिंग नां आली मिसाइल ने समुद्रा च तरा करदे लक्ष्य पर खल्ला अमला किया। भारतीय नौसेना मुजब एक ही मिसाइल की 300 किलोमीटर दूरी तोड़ी मार करने की समर्थ है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें राजभवन च कल संझा जम्मू संभाग के पुलिस ते सिविल प्रशासन के सीनियर अधिकारियों कन्ने गलबात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर होरें G20 बैठक की कामयाबी कन्ने संपन्न करवाने ताई उन्दे आसिया दिते गए योगदान लई उन्दी सराहना की। सूत्रें मुताबक इस बैठक दौरान आंदरी श्री अमरनाथ जी की यात्रा, सुरक्षा हालात ते जम्मू सूबे च जारी विकास कमें बारे भी चर्चा की गई। इस बैठक च होरने दे अलावा मुख्य सचिव डॉ अरुण कुमार मेहता, ADGP जम्मू मुकेश सिंह, उपराज्यपाल हुंदे प्रधान सचिव डॉ मनदीप कुमार भंडारी, जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर रमेश कुमार ते बक-बक डिप्टी कमिश्नर ते SSP हिस्सा लैता।
परानियां सारियां धारणाएं गी नकारदे होई मुख्य सचिव डॉ अरुण कुमार मेहता होरें आखेआ जे जम्मू कश्मीर बड़ी तेजी कन्नै रास पूंजी लाने आला केंद्र बनदा जा करदा ऐ ते हुन कई बड़े कारोबारी इत्थे काम शुरू करने की मंशा रखदे न। 2023-24 बरे लई उद्योग ते बंज महकमे लई तय कीते गए लक्ष्य बारे चर्चा लई लोआई गई बैठक च मुख्य सचिव होरें इयां आखिआ। इस बैठक च दस्सिआ गया जे 2021 बरे आली नवीं उद्योगिक नीति तहत रास पूंजी लाने आले कुल 5,327 प्रस्ताव हासल होए जिहदे कन्नै जम्मू कश्मीर च 66,000 करोड़ रुपये का निवेश होने की उम्मीद है। इस मौके पर अग्गे दस्सिआ गया जे 2022-23 आले पिछले माली बरे दौरान जम्मू कश्मीर की नवीं उद्योगिक नीति तहत 2,200 करोड़ रुपये का निवेश हासिल होया है। इन्हें नवे उद्योगों के लगने करी कोई 10,000 नौजवानों की रोजगार भी होया है। इसके अलावा 2023-24 आले चालू माली बरे दौरान अजे तोड़ी बख-बख उद्योगिक इकाइयों पर 5,500 करोड़ रुपये के कोल काल का काम पुजी गया है। इन्हें उद्योगिक इकाइयों के पूरा होने कन्ने आने वाले महीने और मते नौजवानों की रोजगार हासिल होग। सीबीआई ने उड़ीसा के बालासोर आली रेल दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। पूर्वी तटीय रेलवे के खुरदा डिवीजन के सूत्रें दस्सिया जे जांच एजेंसी के दसें सदस्यों वाली टीम ने बालासोर के बानगा ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट आले थारे का कल दौरा लाया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव होरें जेड़े सामान्य स्थिति की बहाली ताई कामकाज का निरीक्षण करने लई बानगा च गए मौजूद न, उन्हें आखिया जे सीबीआई रेल हादसे दीआं परिस्थितियां की जांच करगन ते इस गल्ला दा पता लांगन जे इस हादसे लई केड़े लोग जिम्मेदार न। रेलवे सुरक्षा आयुक्त शैलेश कुमार पाठक होरें भी बख तौर पर हादसे के कारण की जांच शुरू कर दी है। उत्तरी कश्मीर के बन्ने जिले कुपवाड़ा के टिटवाल ग्रां च नमें बनाए गए माता शारदा देवी मंदिर च कल विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान उत्थे जलाभिषेक के मगरा मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। इस मौके पर बड़ी बद गिनती च कश्मीरी पंडित तबके के लोगों के कन्ने मकामी मुसलमान ते सिख तबके के लोगों भी इस धार्मिक कार्यक्रम च हिस्सा लिया। मकामी लोगों इस मौके पर सरकार थमां मांग की जो इस इतिहासिक शारदा माता मंदिर लई सालाना यात्रा शुरू करे जिदे कन्ने इसी राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय सतह पर पहचान होई सके। जिसके पीछे मुसलमान भी है सिख भी है। इससे पहले इस मूर्ति प्रतिष्ठा से पहले कुछ सालों से निर्गुण स्वरूपणी थी। हर एक आदमी चाहता है कि अमन रहे तो भाईचारा रहे। इस भाईचारे को कायम रखने के लिए जो हमारा ये शारदा पीठ का जो यहाँ पे एक मंदिर कायम किया गया है और इसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे ये प्रमोट किया जाए इसको, ताकि यहाँ पे लोग आए, श्रद्धालु आए। केंद्र सरकार आसिया 2014 च रंभी गई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना तहत पूरे डोडा जिले च कुल 144 स्कीमां सबूरियां करी लैतियां गईयां ते इसलै तोड़ी 1500 किलोमीटर कोला बद सड़क निर्माण मुकम्मल हो चुके दा है। इन्हें सड़कें दे बन्ने करी कुठियारा, बिरनोट, बब्बो, फिरना, डंसाल ते चरोट ग्राएं दे 3,000 कोला मते लोकें गी लाभ पुज्जा है। इन्हें इलाकें दे लोकें सरकार दा नई स्कीम लई आभार जतांदे होई आख्या है जे बिजन सड़क संपर्क उन्हें गी बड़ियां मुश्किलें दा सामना करना पौंदा हा, पर सड़कां बनी जाने कन्ने उंदियां तकलीफां मती घटी गईयां न। बहुत दिक्कत आ रही थी, गड्ढे थे, बहुत गाड़ियों का सत्यानाश था, अब इससे बड़ा फायदा हुआ हमें। हमारा जो टारगेट था, हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा में 1737 किलोमीटर का टारगेट था और हमने 1507 किलोमीटर जो अचीव किए हैं। पीएमजीएसवाई स्कीम के तहत कुछ रोडों को कंप्लीट भी किया गया है, उसी में से एक रोड है मरसू टूचड़ होता है, जिसपे 8 करोड़ की लागत से कोई 10 किलोमीटर ये रोड बनी है, जिससे लोगों को काफी फायदा हो रहा है। दूरदर्शन समाचार के लिए अर्पण कुमार, डोडा। केंद्र सरकार के मिशन लाइफ फ्लैगशिप बैनर हेठ महकमा जंगलात ते एनसीसी कैडेटें आसिया भद्रवाही जिला जेल च रुख बूटे लाने ते जंगले दे महत्व पर भाषण देने च हिस्सा लिया। इस मुहिम तहत जेल दे बेड़े च चिनार ते दियार दे बूटे लाए गए। इस कार्यक्रम दा मुख मकसद कैदियां, विद्यार्थियों ते होरने च जंगल दे महत्व बारे जागरूकता पैदा करना हा। डीएफओ भद्रवाह चंद्रशेखर होरें इस मुहिम की शुरुआत की ते कन्ने गै एनसीसी कैडेटें ते कैदियां अगे जीवन की बनाई रखने लई रुख बूटे दे महत्व बारे भाषण भी दिता। जिला डोडा पर्यावरण के अनुकूल ते साहसिक सैलसफा की अपनी बेशुमार संभावनाएं की सच करने वाली बखी एक बड़ी छाल मारने लिए तैयार है। इन्हें दोनों क्षेत्रों की रोजगार ते आमदनी का एक बड़ा ते आकर्षक स्रोत मनते हुए जिला प्रशासन मुकामी लोगों की आर्थिक ते सामाजिक तौर पर उबड़ा चुकने ताई कई गतिविधियां शुरू करने लिए योजना बना करता है। इसके तहत अजंगल वर्ल्ड, टेंट विलेज, पहाड़ चढ़ने, कैंपिंग ते रोमांच वाली थारें की चिंता घाटी च विकसित किया जा करता है। यह थार भद्रवाह थमां जाई घाटी वाली बखी जाने वाली सड़कों पर पौंदा ते इसका उद्घाटन डिप्टी कमिश्नर विशेष महाजन होरें किया। उन्हें आखिया जे जिला प्रशासन ऐसे नौजवान उद्यमी की बढ़ावा देने लिए तैयार है जिहड़े इन्हें थारे आलमी सतह का सैलसफा ढांचा तैयार करने के इच्छुक न। डीसीओ ने आखिया कि प्रशासन इन्हें 40 की मदद देने लिए पूरी चाली तैयार है। खबरें इस बुलेटिन च बस इन्ना गै, दिओ इजाजत, नमस्कार।